हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे पंचायती राज का चैप्टर को। कल की वीडियो में हमने सारी के सारी कमेटीज़ को डिस्कस कर लिया था एंड जो आपकी मेन गडगिल कमेटी थी, हमने देखा था किस तरीके से उसके जो रिकमेंडेशंस थी उसको यूज़ किया गया ड्राफ्ट करने के लिए अमेंडमेंट बिल को, एंड डिफरेंट गवर्नमेंट के टाइम पे किस तरीके से लोकसभा में बिल को प्रेजेंट किया गया वो भी हमने देखा, एंड फाइनली जो आपका नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस बिल को जो है लोकसभा में पास करवाया। देखने को मिलेगा 22 दिसंबर को 1992 के अंदर लोकसभा में पास हो चुका था, राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को पास हो गया था, 17 स्टेट असेंबली के द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया और फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था 20 अप्रैल 1993 को, एंड ये फोर्स में कब आया 24 अप्रैल 1993 को। आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा इसके फीचर्स को समझना, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसके क्या क्या फीचर्स हैं उनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या सिग्निफिकेंस है इस एक्ट की, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर जो इसके बारे में मेंशन किया गया है और किस तरीके से कुछ पार्ट के अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया पंचायती राज सिस्टम को, वो भी हम देखेंगे। ग्राम सभा क्या है, थ्री टायर सिस्टम किस तरीके से फॉर्म होगी, इलेक्शन जो है मेंबर्स एंड चेयरपर्सन का कैसे होगा, सीट किन किन लोगों के लिए रिजर्व कर रखी है, पंचायत का ड्यूरेशन कैसे, जो पंचायत के अंदर जो मेंबर्स है चेयरपर्सन को मतलब बेसिकली किस तरीके से डिसक्वालीफाई किया जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होगा, पावर एंड फंक्शन क्या क्या दिया गया है हमारे पंचायती राज को, फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड हम देखेंगे, ऑडिट ऑफ अकाउंट की बात की गई, बिकॉज अगर पैसा उनको आप दे रहे हो पंचायती राज को तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका ऑडिटिंग भी होना चाहिए ताकि वो सही तरीके से उस पैसे को यूज़ किया गया है नहीं, वो सब चेक करने के लिए। देन किस तरीके से ये यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होगा, कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से ऐसे एरियाज जो एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं, एंड किस तरीके से जो लॉस थे पहले के एग्जिस्टिंग लॉस थे उनको किस तरीके से कंटिन्यू करना है, फिर कब वो ख़त्म हो रहे हैं वो हम देखेंगे, और स्टेट का जो इंटरफेयर है कहीं ना कहीं इलेक्शन मैटर्स जो होंगे पंचायत में उनको बेसिकली जो है उनसे बाहर रखा गया है, एंड 11 शेड्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा 29 आइटम्स जो है कहीं ना कहीं बता रखे हैं, यानी जो हम कल बात कर रहे थे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं पावर होनी चाहिए पंचायत के ऊपर कि वो उन सब्जेक्ट्स से जो है काम कर सकें, तो वहीं आपको देखने को मिलेगा हमारे 11 शेड्यूल के अंदर 29 ऐसे आइटम्स दे रखे हैं जो पंचायत के पर्व्यू के अंदर आते हैं, तो वो 29 जो आइटम्स हैं वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो है बात करेंगे कंपलसरी एंड वॉलेंट्री प्रोविजंस के, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपलसरी है स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना ही करना है, यानी उनको इंप्लीमेंट करने के लिए उनको काम करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे वॉलेंट्री आइटम्स देखने को मिलेंगे जो कि स्टेट की डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि स्टेट अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से जो है उस चीज़ को फॉर्मुलेट करे, बिकॉज हर एक चीज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं एक्ट में डाल देगी ना कि भाई स्टेट को ये करना है वो करना है तो बहुत ही रिजिड बन जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी उन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान में रखा था कि एक सिंगल रिजिड सिस्टम अगर हम फॉलो करेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, बिकॉज हर एक स्टेट का जो कह सकते हैं उनका डायमेंशन अलग है, उनका टेरेन अलग है, वहाँ की लोकल नीड्स अलग है, तो उनको ध्यान में रखकर अगर वो चीज़ें फर्दर फॉर्मुलेट करेंगे क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए पंचायत के तो वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो उस तरीके से कुछ कंपलसरी प्रोविजन कुछ वॉलंटरी प्रोविजन देखने को मिलेंगे। सो आज जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर इन फीचर्स को कवर किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो एक्ट है उसने ऐड किया है न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दिस पार्ट इज़ एंटाइटल एज द पंचायत, मतलब इस पार्ट का जो पार्ट 9 है यहाँ पे उसका टाइटल दिया गया है द पंचायत, एंड ये कहीं ना कहीं कंसिस्ट करते हैं प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल्स 243 से लेकर 243O तक जो है आपको देखने को मिलेगा। इन एडिशन द एक्ट हैज़ ऑल्सो एडेड अ न्यू 11th शेड्यूल, जो कि अभी हमने देखा था कि उस 11th शेड्यूल के अंदर आपको 29 आइटम्स देखने को मिलेंगे, एंड दिस शेड्यूल कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द पंचायत, इट डील्स विद आर्टिकल 243G। तो सबसे पहले हम इन आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखोगा कि जो आर्टिकल नंबर 243 है बेसिकली डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि पंचायती राज सिस्टम क्या है। 243A के बारे में बात करें तो ग्राम सभा क्या होगी, कौन कौन ग्राम सभा का पार्ट होगा उसके बारे में अभी हम देखेंगे इसको, तो वो चीज़ें हमारे आर्टिकल नंबर 243A में बताया गया है। 243B में जो है कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा पंचायत का वो बताया गया है। 243C में कंपोजिशन ऑफ पंचायत का, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन कंपोजिशन की बात की गई है। 243D की बात करें तो सीट्स को किस तरीके से रिजर्व रखना है, किस किस के रिजर्व करना है, कितना प्रपोर्शन में रिजर्व करना है वो बताया गया है। 243E का बात करें तो ड्यूरेशन क्या होगी पंचायत की एंड सो ऑन।
243F की बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके होगा मेंबरशिप का, वो बताया गया है। 243G जो कि बात करते हैं पावर्स, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी पंचायत की, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएंगी, कौन क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस एरिया तक उनकी पावर है, तो वो आपको 243G में देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि दिस शेड्यूल कंटेन 29 फंक्शन आइटम्स जो कि डील करते हैं आर्टिकल 243G में, तो ये आपको देखने को मिलेगा 243G में उनकी पावर्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, वो 29 आइटम्स फिर आपको डिस्कस करेंगे। 243H की बात करें तो पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस लगाने की जो पावर मिली है एंड फंड्स फॉर दी पंचायत, वो आपको देखने को मिलेगा। 243I कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए। 243J ऑडिट करेगा अकाउंट्स ऑफ द पंचायत। 243K इलेक्शन टू द पंचायत। 243L एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। 243M जो कि बताया कि कौन कौन से पार्ट या कौन कौन से एरियाज में इसको अप्लाई नहीं करना है, ये जो पंचायत थी जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो पंचायती राज सिस्टम बनाया गया है। 243N कॉन्टिन्यूंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत के बारे में बात करता है। लास्ट आपका 243O इट बार्स टू इंटरफेयर बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी इलेक्शन से जो भी मैटर्स होगा उसमें कोर्ट्स जो है हमारी जुडिशरी जो है उसको बेसिकली दूर रखा गया है, जैसा कि आपको सेंट्रल स्टेट के इलेक्शंस में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। हम देखते हैं द एक्ट हैज़ गिवन अ प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद सच पावर्स अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। दिस आर्टिकल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि हमारे जो DPSP के अंदर आपको आर्टिकल 40 दिखेगा वो कहीं ना कहीं जो है स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता था कि किस तरीके से आपको जो है लोकल लेवल पे एक सेल्फ गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास पावर होनी चाहिए। ठीक है, उनको वो पावर दो, वो ऑर्गेनाइज कर सके विलेज पंचायत को, और ये कहीं ना कहीं फिर हमारा जो मेन आप कह सकते हो जो ग्राउंड लेवल पे यानी ग्रास रूट लेवल पे जो आपके विलेजर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन फिर आपको देखने को मिलेगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। द एक्ट गिव्स अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, यानी जो पर्टिकुलर एक्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इसने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड कर दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एंड इट हैज़ ब्राउट देम अंडर द परव्यू ऑफ द जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो जस्टिसेबल पार्ट है वो उस चीज़ के अंडर अब आ चुका है। तो क्योंकि अगर ये जस्टिसेबल पार्ट के अंदर आ गया है तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन के अंदर है कि उन्हें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा ये न्यू पंचायती राज सिस्टम को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी ये जो 73rd एक्ट है उसके जो भी प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग फिर जो है पंचायती राज सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली नाइदर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत नॉर द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स डिपेंड ऑन द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एनी मोर, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि पहले क्या था कि उनके ऊपर था, उनकी विल के ऊपर था कि जब चाहे जो स्टेट गवर्नमेंट है पंचायत को फॉर्म कर रही है, जब चाहे अपनी मर्जी से, कभी भी इलेक्शंस हो रहे हैं कभी इलेक्शन नहीं हो रहे, तो अगेन ये सब चीज़ें उनकी विल पे डिपेंड हो रही थी इससे पहले। बट क्योंकि अब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया है तो अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है कि उनका टाइम से उनको अच्छे से फॉर्म करना पड़ेगा, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उस पर्टिकुलर एक्ट में उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करना है, साथ ही साथ आपको रेगुलर इंटरवल्स में जो है इलेक्शन को करवाना है। ठीक है, यानी कि दिस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेगा, कंपलसरी चीज़ें हैं कुछ वॉलंटरी है। कंपलसरी हम बात करें जो कि मैंडेटरी है और ऑब्लिगेटरी है प्रोविजंस होंगे उस एक्ट के जो कि इंक्लूडेड इन द स्टेट लॉस रिलेटिंग टू द न्यू पंचायत सिस्टम, यानी ये जो न्यू पंचायत सिस्टम है इसमें किस तरीके से टाइम टू टाइम इलेक्शन करवाना है, किस तरीके से कहाँ पे आपको जो ग्राम सभा है उसकी पावर क्या होगी, तो ये सब चीज़ें आपको कंपलसरी प्रोविजन में देखने को मिलेगा। बाकी हम डिटेल में भी हम देखेंगे किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें कंपलसरी का पार्ट है और कौन कौन सी चीज़ें वॉलंटरी का पार्ट है। अब हम बात करते हैं वॉलंटरी प्रोविजंस के, ऑन द अदर हैंड मे बी इंक्लूडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ अ स्टेट, के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया है। दस अ वॉलंटरी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंश्योर द राइट दिया गया है स्टेट्स को टू टेक लोकल फैक्टर्स यानी ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर्स इनटू कंसीडरेशन व्हाइल अडॉप्टिंग अ न्यू पंचायत सिस्टम, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपलसरी का पार्ट है जहाँ पे उन्हें करना ही करना है, यानी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी विल पावर का यूज़ करके इस तरीके से चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकती, उन्हें टाइम से इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाने हैं, टाइम से उनको जो भी उनका फंडिंग वगैरह है वो भी प्रोवाइड करनी है, जो भी टैक्स रिलेटेड पावर्स है उन्हें भी जो है ध्यान से मतलब उनको प्रोवाइड करवानी है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। वॉलंटरी प्रोविजन जो है कहीं ना कहीं स्टेट के डिस्क्रिशन पे इसलिए छोड़ा गया है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट के पास ये राइट रहे कि कैसे वो बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रख के, चाहे वो ज्योग्राफिकल फैक्टर हो,
या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर हो उनको ध्यान में रख के जो है अपने हिसाब से वहाँ पे सिस्टम बनाएं, ताकि वो न्यू पंचायती जो सिस्टम है उस चीज़ों को वहाँ पे उनके इम्प्लीमेंट होते हुए देखें। देन यहाँ पे बोला गया है कि द एक्ट इज़ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है इन द एवोल्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन द कंट्री, यानी हमारी कंट्री के अंदर जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसने एक लैंडमार्क जो है कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रोल रखा है, बिकॉज इससे पहले देखने को मिलेगा इस चीज़ को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड करके इसकी जो इंटीग्रिटी है उसकी जो डिग्निटी है कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथन किया गया है। इट ट्रांसफर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, यानी इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पे जिस तरीके से स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं फिर सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दिखती है, बिकॉज आपकी जो जनता है वो कहीं ना कहीं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वो वहाँ पे जाके असेंबली के अंदर बैठते हैं, देन वो आपके बिहाफ पे जो है वहाँ पे पॉलिसीज फॉर्मेशन करते हैं। बट ये जहाँ पे हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, वहाँ पे आपको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी दिखने को मिलेगी, रिप्रेजेंटेटिव है यानी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी है, यानी आपके विलेजेस के जो लोकल लेवल है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपने जो मेंबर्स हैं उनमें से चुन के, मतलब लोगों में से किसी एक को चुन के अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, वो उन विलेजेस के कहीं ना कहीं इनको ध्यान में रख के यानी विलेजेस जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे जो पॉलिसी फॉर्मेशन होगा उसमें उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये जो वर्ड है ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैंडमार्क कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट रोल रखता है। एंड इट इज़ अ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट अ ग्रास रूट लेवल इन अ कंट्री, ठीक है। ये चीज़ें इवॉल्व होती रहेंगी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चले जाएगा, नीड जैसे जैसे बढ़ती रहेगी तो उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये फर्दर इवॉल्व होती रहेगी। और हमारा मेन काम यही है किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को बिल्डअप करना। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राम सभा। द एक्ट प्रोवाइड फॉर अ ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज सिस्टम की फाउंडेशन किसको बोली गई है, ग्राम सभा को। और ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, यानी जो विलेज लेवल पे ऐसी आपके जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो उनका इलेक्टोरल रोल्स में उनका नाम है, बिकॉज देखो विलेज के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें से जो 18 साल से ऊपर की जो भी जनता होगी चाहे वो यू नो मैन है वुमेन्स हैं तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों का नाम उस इलेक्टोरल रोल में शामिल है रजिस्टर्ड हो रखा है उस विलेज की पंचायत के इलेक्शन में वो देखने को मिलेगा, वो उनको आप बेसिकली उन लोगों को आप ग्राम सभा बोलोगे, ठीक है। तो याद रखना ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है उन लोगों की, वो लोग जो कि उस पर्टिकुलर इलेक्टोरल रोल जो है विलेज की उसमें रजिस्टर्ड हो रखे हैं। दस इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी विलेज असेंबली है जहाँ पे सारे के सारे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यानी 18 साल से उम्र के जो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रोल में वो उस पर्टिकुलर एरिया में जो पंचायत है उनको हम ग्राम सभा बोलते हैं। एंड इट मे एक्सरसाइज सच अ पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एट अ विलेज लेवल एज अ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट डिटरमाइन, यानी स्टेट लेजिस्लेचर जिस तरीके से उनको पावर देगी, जिस तरीके से क्या क्या चीज़ें उन्हें फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, ठीक है। तो यानी अगेन ये चीज़ स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेचर के द्वारा यानी अपने पर्टिकुलर लॉ के द्वारा उनको क्या पावर्स देनी है, उनका क्या फंक्शन होना है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो यानी कि आपके जो ग्राम सभा में जो भी लोग हैं जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने पंचों को चुनेंगे और जो भी पंच होंगे उनके पंचायत में जो भी पंच वगैरह होंगे वो कहीं ना कहीं उनके बिहाफ में पॉलिसी फ्रेमिंग वगैरह का काम करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री टायर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे बोला गया है कि द एक्ट प्रोवाइड्स अ थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट में, दैट इज़ पंचायत एट द विलेज लेवल जिसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट मतलब ब्लॉक लेवल पे देखने को मिलेगा पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जिला परिषद। Thus the act brings about uniformity in the structure of पंचायती राज throughout the country। तो इससे क्या आता है कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा कुछ स्टेट है दो टायर सिस्टम बना रहे हैं, कहीं पे चार टायर सिस्टम देखने को मिल रहा है, कहीं पे तीन टायर सिस्टम देखने को मिल रहा है, कहीं पे कोई स्टेट कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा चीज़ें अब नहीं होंगी, अब एक यूनिफॉर्मिटी को यहाँ पे उस हिसाब से काम किया जाएगा और पूरे के पूरे हर एक स्टेट में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। However, a state having population not exceeding 20 lakh, यानी ऐसी कोई स्टेट जिसकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी 20 लाख से कम है तो वहाँ पर आपको इंटरमीडिएट लेवल पर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत होगी और एक आपका विलेज लेवल पर।
अब यहाँ पे जो एक्ट है डिफाइन करता है ऑल दीज टर्म्स इन द फ्लोइंग मैनर. पहला द पंचायत मीन्स एन इंस्टीट्यूशन बाय वेयर नेम कॉल्ड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अ रूरल एरिया. मतलब रूरल एरियाज में जो सेल्फ गवर्नमेंट होगी वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन उसको पंचायत बोला गया है. दूसरा बोला गया विलेज. यहाँ पे क्या मतलब है, विलेज मीन्स अ विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर बाय द पब्लिक नोटिफिकेशन टू बी अ विलेज फॉर दिस पर्पस एंड इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ विलेजेस आर सेटिस्फाइड. यानी कि विलेज क्या है, ठीक है, मतलब कौन कौन से चीज़ें विलेज का पार्ट है कौन नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करने का काम आपके गवर्नर का है. यानी गवर्नर क्या करेंगे, एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर विलेज को एज अ विलेज जो है कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करेंगे. और क्योंकि एक बार आपने उस पर्टिकुलर विलेज को स्पेसिफाई कर दिया, अब वहाँ पे जो है ग्राम सभा बनाई जाएगी और ग्राम सभा के थ्रू वहाँ पे इलेक्शंस की करवाए जाएंगे. तो वो विलेज को स्पेसिफाई करवाने का काम आपके गवर्नर का है. इंटरमीडिएट लेवल मीन्स अ लेवल बिटवीन द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में आएगा. अगेन उसको स्पेसिफाई कौन करेगा, गवर्नर करेगा बाय पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू. और पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू जो भी उनका गैजेट होगा स्टेट का, वहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा कि भाई ये चीज़ें आपकी विलेज है, इतना इतना एरिया विलेज का पार्ट है, इतना इतना आपका इंटरमीडिएट लेवल या फिर ब्लॉक लेवल का पार्ट है. और डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट. इन इस पर्टिकुलर स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट होगी उसको डिस्ट्रिक्ट की तरह मतलब स्पेसिफाई किया जाएगा, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से एरिया डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, कौन सा आपका इंटरमीडिएट लेवल का पार्ट है, कौन सा विलेज का पार्ट है, ये सब के सब आपको सिग्निफाई कौन मतलब स्पेसिफाई किया जाएगा बाय द गवर्नर. नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन का, कैसे यहाँ पे इलेक्शन होगा. तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल इंटरमीडिएट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जनता है उस पर्टिकुलर स्टेट की वो कहीं ना कहीं चुन रही है अपने मेंबर्स को, ठीक है. अधिकतर मेंबर्स को जब चुनने की बात आएगी पंचायत में जो भी मेंबर्स हैं उनको कौन चुन रही है, आपकी जनता चुन रही है. फर्दर द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय फ्रॉम द अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है. यानी कि जैसे कि हमने बात की है, सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, देन आपका इंटरमीडिएट लेवल है जिसे हम ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं, एंड आपका विलेज लेवल है, ठीक है. तो इनके जो मेंबर्स हैं, जब भी हम बात कर रहे हैं मेंबर्स की, तो इन मेंबर्स को चुनने का हक जो है आपकी जनता का है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय दिस. पर जब हम बात कर रहे हैं चेयरपर्सन की, और चेयरपर्सन कौन, इंटरमीडिएट लेवल पे जो है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेयरपर्सन है इनको आपको इलेक्ट करना है इनडायरेक्टली, ठीक है. याद रखना बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल की और इंटरमीडिएट लेवल की, यहाँ पे जो विलेज लेवल है उसकी बात नहीं की जा रही, ठीक है. तो द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम अमंगस्ट द इलेक्टेड मेंबर. यानी ये जो इलेक्टेड मेंबर है ना, इनमें से किसी एक पर्सन को एज अ चेयरमैन चुना जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और साथ ही साथ इंटरमीडिएट लेवल पे भी, ठीक है. However, the chairperson of panchayat at a village level should be elected in such a manner. अब हम देखो बात की है हमने कि यहाँ पर chairperson की बात की जा रही है intermediate level, district level की, वो तो indirectly elected ही होगा. पर जो chairperson है village level पर उसको elect किया जाएगा in such a manner as a state legislature determine. यानी state legislature के द्वारा जो है determine किया जाएगा भाई किस method के through, किस procedure के through, किस manner के through जो है उस particular chairperson का election किया जाना है विलेज लेवल पे, ठीक है. द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल हैव अ राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, पंचायत, ठीक है. यानी कि जो भी चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, पंचायत के जो भी चेयरपर्सन है या फिर बाकी के मेंबर्स जो है, ठीक है, मेंबर्स एज वेल एज चेयरपर्सन, तो तीनों ही लेवल पे जो भी मेंबर्स हैं, जो भी चेयरपर्सन हैं, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हों चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हों, दोनों ही के पास जो है राइट टू वोट दिखेगा इन द मीटिंग. यानी जब भी पंचायत की मीटिंग होगी तो वहाँ पे आपके मेंबर्स भी वोट डाल सकते हैं, साथ साथ आपके चेयरपर्सन भी जो है वोट डाल सकते हैं, ठीक है. तो इन शॉर्ट मैं चीज़ फिर से एक बार डिस्कस कर लेती हूँ. डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड विलेज लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं विलेज में जो मेंबर्स, सब के सब डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा. बट अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरपर्सन की, इंटरमीडिएट लेवल के चेयरपर्सन की, तो इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा. अब हम बात करते हैं विलेज लेवल का जो चेयरपर्सन है उसका जो मैनर से इलेक्शन होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेगा उस चीज़ को कैसे होना. बाकी मेंबर्स हो या चेयरपर्सन हो, दोनों के पास वोटिंग का राइट दिया जाएगा मीटिंग में, जो भी मीटिंग्स होंगी उनमें वोटिंग का राइट्स है उनके पास. नेक्स्ट है आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स.
The Act provide करता reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in every पंचायत, यानी जो तीनों लेवल पे जो पंचायत है उन तीनों लेवल पे आपको देखने को मिलेगा scheduled caste और scheduled tribe की reservation की गई है। यानी जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा सेंटर पे, यानी जो आपका पार्लियामेंट है पार्लियामेंट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, जो लोकसभा है वहाँ पे भी आपका एस सी एस टी का रिजर्वेशन चलता है, स्टेट लेवल पे जो असेंबली है वहाँ पे भी एस सी एस टी के लिए रिजर्वेशन है। तो सिमिलरली आपका पंचायत के अंदर भी, यानी तीनों लेवल पे जो पंचायत है वहाँ पे एस सी और एस टी के लिए रिजर्वेशन की गई है कुछ सीट्स। बिकॉज देखो इन लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है ना बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और क्योंकि ये ऐसी कह सकते हैं पॉपुलेशन है, ऐसे लोग हैं भाई कहीं ना कहीं जिनको इतना मतलब पास्ट में इतना ज़्यादा चीज़ों को फेस किया करना पड़ा है, जिसके कारण उनको आज भी जो है कह सकते हैं वो इतने ज़्यादा जितना बाकी के लोगों के पास जो राइट्स देखने को मिलेंगे, जो सोशली इकोनॉमिकली जो कह सकते हैं वो जो पावर्टी है आज भी देखने को मिलती है इनके अंदर। दैट्स वाई इनका भी रिप्रेजेंटेशन हो पंचायत के अंदर, इनके भी बातों को रखा जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके लोगों को भी जो है कुछ ना कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व की जाए, ताकि ये लोग भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। अब किस लेवल पे करना है, तो इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन द पंचायत एरिया, यानी जो भी पंचायत एरिया है उसमें जो टोटल पॉपुलेशन में से इनकी कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, हो सकता है मान लो एक गांव है वहाँ पे 100 लोग रहते हैं, हाइपोथेटिकली एग्जांपल है, और उसमें से मान लेते हैं 20 लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं, तो यानी उस पर्टिकुलर गाँव में जो 20 शेड्यूल कास्ट है, तो वह आपको उस हिसाब से जो है रेशो डिसाइड करनी पड़ेगी कि 20 में से कितना पार्ट जो है आपको इनको सीट्स वहाँ पर रिजर्व करनी है उस पर्टिकुलर विलेज की पंचायत के अंदर। ठीक है, तो उनका जो भी टोटल पॉपुलेशन है पंचायत की उसमें से उनका कितना पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर कास्ट का, उस पर्टिकुलर ट्राइब का, उस हिसाब से आपको उनके लिए सीट रिजर्व करनी है। फर्दर द स्टेट लेजिस्लेशन शैल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज लेवल और एनी द लेवल ऑफ एस सी एस टी। यानी जो अब हम पहले तो हमने बात की मेम्बर्स के लिए, अब हम बात कर रहे हैं चेयरपर्सन के लिए, यानी जो भी आपका विलेज लेवल पे जो पंचायत है या फिर बाकी अदर लेवल पे जो पंचायत है उन पंचायत के अंदर चेयरपर्सन होंगे, उन चेयरपर्सन के लिए भी जो है एस सी एस टी को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो आपकी एस सी और एस टी हैं सिर्फ ऐसे मेंबर की मतलब मेंबर की केस में रिजर्वेशन नहीं, मेंबर के साथ साथ जो चेयरमैन हैं जिस पर चेयरमैन के ऑफिस के लिए भी उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट बोला गया द एक्ट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। यानी जो भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वुमेन की उसका 1/3 की अगर हम बात करें उतना रिजर्वेशन वुमेन को देना है, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू एस सी एंड एस टी। मतलब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी जो वुमेन्स जो कि एस सी एस टी का पार्ट है उनके लिए जो सीट्स रिजर्व की गई हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी 1/3 आपको देखने को मिलेगा होना चाहिए रिजर्वेशन। अब बोली जा रही है फर्दर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ अ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट ईच लेवल शेल बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो यानी एज अ मेंबर के तौर पे भी वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है, और एज अ चेयरपर्सन के तौर पे भी आपको देखने को मिलेगा नॉट लेस देन 1/3 जो भी टोटल नंबर है ऑफिसेज ऑफ अ चेयरपर्सन की हर एक पंचायत में वहाँ पर आपकी वुमेन को एज अ चेयरपर्सन भी आपको देखने को मिलेगा रिजर्वेशन दिया गया है। The Act also authorizes the legislature of a state to make any provision for reservation of seats in any panchayat or office of chairperson in the panchayat at any level in favor of backward classes। यानी कि अगर उस particular state के अंदर अगर मान लो कुछ ऐसी community है जो backward है, तो उन community का अगर further अच्छे से representation नहीं हो रहा है किसी भी level of panchayat में, तो वहाँ पर हमारे state government के ऊपर responsibility है, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे प्रोविजंस बनाए जहाँ पे उन पर्सन को भी यानी उन बैकवर्ड क्लासेस को भी जो है रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए पंचायत के अंदर एज अ मेंबर। ठीक है, एज अ मेंबर के लिए और एज अ चेयरपर्सन के लिए भी उन हर एक लेवल ऑफ पंचायत में उनका रिजर्वेशन होना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस का। ठीक है, अगर उन्हें लगता है उनके स्टेट में ऐसी कोई बैकवर्ड क्लास है जिनका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तब जाके स्टेट जो है इस तरह से रिजर्वेशन उनके लिए भी प्रोवाइड करेगी। बट अभी के लिए देखने को मिलेगा किस तरीके से एस सी एस टी के लिए और वुमेन के लिए। देन यहाँ पे बोला गया द रिजर्वेशन ऑफ सीट एज वेल एज रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन द पंचायत फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शैल सीज टू एन इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334 विच इज़ प्रेजेंटली 80 ईयर्स दैट टिल 2030। यानी 2030 तक के लिए हम कह सकते हैं ये चीज़ें जो है आर्टिकल 334 में देखने को मिलेगा किस तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो प्रोवाइड की जाती हैं वो कहीं ना कहीं 2030 तक फिक्स कर दी गई हैं। अब 2030 के बाद अगर लगेगा फर्दर सरकार को कि उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए एज अ मेंबर एज अ चेयरपर्सन के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन होना चाहिए, तो फर्दर वो उसको देखने को मिलेगा एक्सटेंड कर देंगे। बट अभी के लिए
आपको देखने को मिलेगा 80 ईयर्स तक, यानी 2030 तक जो है ये रिजर्वेशन जो है कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 334, उनको ये मिलता रहेगा। इट मस्ट बी नोटेड हेयर दैट द अबव प्रोविजन रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत बोथ मेंबर एज अ चेयरपर्सन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड इज नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्यों? बिकॉज अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा फुल्ली इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल है वहाँ पे रहते हैं, यानी वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको शेड्यूल कास्ट नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब दिखेंगे। दैट्स वाई जो यहाँ पे बात की जा रही है, ये जो प्रोविजन है कि आपको शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन रखना है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, बिकॉज उनके यहाँ पे कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं पाई जाती, सारे के सारे आपको शेड्यूल ट्राइब देखने को मिलेंगे। और ये प्रोविजन जो है इसको ऐड किया गया था 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन क्या होगा पंचायत का। द एक्ट प्रोवाइड फॉर अ 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस टू द पंचायत एट एवरी लेवल, यानी हर एक लेवल पे, चाहे हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, हर एक लेवल पे जो पंचायत है उनका 5-5 साल का ड्यूरेशन होगा। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इस टर्म, यानी 5 साल का जो ड्यूरेशन है बट उससे पहले भी वो डिसॉल्व हो सकती हैं, जिस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि पंचायत मतलब आपका जो लोकसभा है उनका 5 साल का टर्म है बट वो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकते हैं। इस सिमिलरली आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो असेंबली भी 5 साल का ड्यूरेशन है बट उससे पहले डिसॉल्व हो सकती है। तो सिमिलरली जो पंचायत है ये भी नॉर्मल देखने को मिले 10 ईयर इनका 5 साल का है बट 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती हैं। फर्दर द फ्रेश इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शेल बी कम्प्लीटेड, पहला बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 5 साल, यानी 5 साल एक्सपायर होने से पहले, यानी जैसे मान लो जो 5 साल का टर्म है, यानी 5 साल कम्प्लीट होने से पहले ही आपको जो फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवानी पड़ेंगी। सेकेंड, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन अगर हो रहा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अ डिसोल्यूशन, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मान लो जो भी आपका टाइम है 5 साल का, ठीक है, 5 साल की अगर मान लेते 2 साल जो है आपके पंचायत ने पूरे कर लिए बट 3 साल बाकी हैं, तो क्योंकि उससे पहले वो डिसॉल्व हो रही हैं, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से जो रिमाइंडर है पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व्ड पंचायत हैव टू बी कंटिन्यूड इज लेस देन 6 मंथ अगर है, शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन फॉर कंस्टिट्यूटिंग द न्यू पंचायत एज फॉर सच पीरियड, यानी अगर 6 महीने से कम तक का टाइम है ना तब आपको फर्दर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं, बिकॉज उसके बाद तो वैसे भी इलेक्शन हो ही जाएंगे। मोर ओवर अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन अ डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इस ड्यूरेशन शेल कंटिन्यू ओनली फॉर रिमाइंडर ऑफ अ पीरियड, यानी अगर मान लो 5 साल का ड्यूरेशन था उसमें से 2 साल पहले वाली पंचायत ने पूरी कर दी फिर वो डिसॉल्व हो गई, अब 3 साल बचे हुए हैं, तो जो फर्दर जो भी इलेक्शन होकर जो न्यू पंचायत आएगी वो जो रिमाइंडर पीरियड है उसको सर्व करेगी सिर्फ, यानी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 5 साल वो कंटिन्यू करेंगी, नहीं, जो भी रिमाइंडर पीरियड है उसको कंटिन्यू करेंगी। एंड विच अ डिसॉल्व्ड पंचायत शुड बी कंटिन्यूड इट इज नॉट हैव बीन डिसॉल्व्ड, इन अदर वर्ड्स अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर द प्री मैच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड ऑफ 5 ईयर बट रिमेन्स इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। तो इसको मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे बेसिकली देखो बात की जा रही है, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 चल रहा है, तो मान लेते हैं 1 जनवरी 2024 में आपका पंचायत में इलेक्शन हुआ, ठीक है, 2024 में हुआ, 2025, 2026, 2027, 2028 और 2029, यानी ये 5 साल का जो ड्यूरेशन है ये हर एक पंचायत, चाहे हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर विलेज लेवल पे हो, हर एक पंचायत जो है उनका 5 साल का ड्यूरेशन अगर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अगर मान लो नॉर्मल तरीके से अगर 5 साल का ड्यूरेशन अगर कोई पंचायत करती है तो नॉर्मली देखने को मिलेगा कि 1 जनवरी 2019 को उनको उनका टर्म यहाँ पे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो क्योंकि उनका 1 जनवरी 2024 को वो इलेक्ट होकर आई थी और 1 जनवरी 2019 तक उसका 5 साल का टेन्योर रहता है, तो 1 जनवरी 2019 आने से पहले यानी मतलब 6 महीने पहले ही आपको कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि आप फ्रेश इलेक्शन करवा दो, यानी कि अराउंड कह सकते हैं 1 जून 2028 तक को कोशिश करनी है, वहाँ से लेके 1 जनवरी 2019 तक का टाइम इस बीच में आपको जो है फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात की जाती है सेकंड केस, अगर मान लो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन अगर होता है, मान लेते हैं 2026 में कोई भी मंथ मान लेते हैं मार्च, 1 मार्च 2026 में कोई मान लो पंचायत डिसॉल्व हो गई, तो जैसे वो डिसॉल्व हुई है ना, यानी 1 मार्च 2026 में वो डिसॉल्व हुई है, तो इसके 6 महीने तक, यानी मार्च में आप 6 महीने और ऐड कर लो तो अराउंड आपको देखने को मिलेगा
नवंबर दिसंबर ऐसे कुछ, तो उस टाइम के अंदर तक इस पीरियड में 6 महीने के पीरियड के अंदर आपको फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो भले ही उस पहली वाली पंचायत ने सिर्फ देखने को मिलेगा दो साल ही अपना पूरा किया, बट क्योंकि अभी बाकी का रिमाइंडर पीरियड बाकी बचा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और इलेक्शन के लिए आपको 6 महीने का टाइम दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर आपको फ्रेश इलेक्शन करवाने हैं। अब जब फ्रेश इलेक्शन जब आपको करवाने हैं तो आपको देखने पड़ेगा कितना रिमाइंडर यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अभी 2 साल उन्होंने पूरे कर दिए, 3 साल अभी बाकी है। जो भी यहाँ पे न्यू इलेक्शन होंगे पंचायत के, तो वो जो रिमाइंडर 3 साल है, उस 3 साल के लिए कहीं ना कहीं वो काम करेगी। यानी यहाँ पे प्रॉपर उस न्यू पंचायत को 5 साल का टेन्योर नहीं मिलेगा, जो भी रिमाइंडर है वो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपको समझनी है कि अगर आपका रिमाइंडर अगर मान लो कम है, यानी 1 जनवरी 2024 से लेके अगर हम देखें 2019 तक, 1 जनवरी यानी टेन्योर यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो अगर मान लेते हैं कोई एक पार्टी है जो कि डिसॉल्व हुई है अराउंड 1 सितंबर 2028 को, ठीक है। अगर मान लो कोई पार्टी है, पंचायत है, वो यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है, तो क्योंकि 1 सितंबर 2028 को डिसॉल्व हो रही है और आपका 1 जनवरी 2029 तक उसका रिमाइंडर पीरियड है। अब ये जो रिमाइंडर पीरियड है कितना है, मतलब मुश्किल से मान लो सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 महीने है। अब ये जो 4 महीने हैं, यानी 6 महीने से तो कम हो गया, क्योंकि सिर्फ 4 महीने के लिए आप तो न्यू इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं। बिकॉज न्यू इलेक्शन अगर आप कंडक्ट करवाते हो तो क्या 4 महीने के लिए ही आप वो जो न्यू इलेक्शन आएगी सिर्फ उसको रहने दोगे, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो यानी ऐसा कोई टाइम जहाँ पे देखने को लगे कि 6 महीने का टाइम से कम जो है रिमाइंडर पीरियड यहाँ पे बचा हुआ है, तो आपको न्यू इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉपर टाइम है इलेक्शन होने का, यानी जो 1 जनवरी 2029 को ऑलरेडी इलेक्शन कंडक्ट किए ही जाएंगे, तो उस टाइम पे फिर आपको न्यू इलेक्शन कंडक्ट करना है। बट अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड आके आपके पास रिमाइंडर पड़ा हो, तब आपको जो है फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। और जो फ्रेश इलेक्शन के थ्रू जो भी न्यू पंचायत आएगी वो अपना रिमाइंडर पीरियड सर्व करेगी, और जैसे ही उसका रिमाइंडर पीरियड ख़त्म हो जाएगा फिर से न्यू इलेक्शंस होंगे, फिर वो जो इलेक्शन होंगे फिर वो 5 साल के लिए होंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। सो आई होप आपको ये ड्यूरेशन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बींग चूजन एज फॉर बींग अ मेंबर ऑफ पंचायत इफ़ ही इज़ डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर बींग टाइम इन फोर्स फॉर द पर्सन पर्पस ऑफ द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर टू द स्टेट कंसर्न्ड। यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो कि पंचायत का मेंबर है, अगर वो मान लो डिस्क्वालीफाई, उसको कैसे होगा, तो अगर मान लो कोई भी कैसे लॉ जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया हुआ है, भाई इस तरीके से जो है इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो उस पर्टिकुलर लॉ के द्वारा अगर पर्सन डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकेंड, अंडर एनी लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, however no person shall be disqualified on the ground that it is less than 25 years of age if it is attained the age of 21 years। यानी कि इस बेसिस पे आप उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि उसकी जो उम्र है वो 25 साल से कम है। अगर उसने 21 साल की एज बेसिकली अटेन कर ली, यानी 21 साल आपको मिनिमम चाहिए पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब एज अ मेम्बर जो है कहीं ना कहीं बनने के लिए पंचायत में, ठीक है। तो इस 21 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। फर्दर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालिफिकेशन सेट शेल बी रेफर टू सच अथॉरिटी एज अ स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन। यानी स्टेट लेजिस्लेचर एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बनाएगी, उस अथॉरिटी का काम हो कहीं ना कहीं देखना कि किन किन चीज़ों के ऊपर, यानी किन किन क्वेश्चन के ऊपर जो है उस पर्टिकुलर मेम्बर का डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन सेट जो भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी उस चीज़ को सुनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट इलेक्शन कमीशन कि द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स एंड कंडक्ट ऑल द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन हो काम, उसके पास अथॉरिटी है कि वो किस तरीके से सुपरिटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा, किस तरीके से इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना है, कैसे तीनों लेवल में जो पंचायत से उनके इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाने हैं, सब का सब स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। उसका जो कंडीशन ऑफ सर्विस होगा या फिर टेन्योर ऑफिस होगा शेल ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कमिश्नर का कितना मतलब टेन्योर होगा, क्या क्या कंडीशन ऑफ सर्विस होंगे, वो गवर्नर ही डिसाइड करेगा। ही शेल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन अ मैनर ऑन द ग्राउंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट जो स्टेट का जो पर्टिकुलर हाई कोर्ट है उसमें जज होते हैं, तो जज के रिमूवल के लिए जो पर्टिकुलर मैनर है, ठीक है, जो ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं
उस मैनर से उस पर्टिकुलर ग्राउंड पे ही आप जो है इस पर्टिकुलर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब आपको देखने को मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से ग्राउंड्स का मेंशन किया था कि मिसबिहेवियर था, इनकैपेसिटी था, वही आपको देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट का जज है उसमें भी सेम वही ग्राउंड्स यूज़ करते हैं, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में भी सेम ग्राउंड को यूज़ किया जाएगा कि अगर कुछ मिसबिहेवियर होता है, कुछ इनकैपेसिटी होता है, तो उस बेसिस पे आपको रिमूव किया जा सकता है। अगर बात करें मैनर की, तो वो हमने देखा था किस तरीके से लोकसभा में इतने 100 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, राज्यसभा में इतने 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, देन स्पीकर पे या फिर जो चेयरमैन उनके ऊपर है कि उस पर्टिकुलर रिमूवल जो भी मोशन लाया उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना है नहीं करना। फिर आपको देखने को मिलेगा एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी जो चार्जेस लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, हाई कोर्ट के जज के ऊपर, इनकेस अगर मान लो स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी चार्जेस लगे हुए हैं वो सही है नहीं है, उस कमेटी का काम है चेक करना। फिर अगर प्रूफ हो जाता है तो फिर उनके रिमूवल के लिए आपको देखने को मिलेगा स्पेशल मेजॉरिटी से वो चीज़ पास करनी है, एंड देन फिर आपके जो प्रेजिडेंट हैं वो आपको देखने को मिले किस तरीके से रिमूव करते हैं। तो ये हमने ग्राउंड्स और मैनर जो है कहीं ना कहीं डिस्कस किया था स्टेट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, वही सेम आपको देखने को मिलेगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पे भी अप्लाई होता है। देन यहाँ पे बोला गया जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। दिस मीन्स दैट अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव बाय द गवर्नर दो दे अपॉइंट बाय हिम, यानी गवर्नर भले ही उनको अपॉइंट कर रहे हैं बट उनको रिमूव करने का हक गवर्नर के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, हिज कंडीशन ऑफ सर्विस शैल नॉट बी वैरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन टू द पंचायत। ठीक है, यानी एक बार आपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया, उस टाइम पे जो भी उनकी सर्विस कंडीशंस थी उनको फर्दर आप जो है उनके डिसएडवांटेज के लिए जो उसका कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते, बढ़ा जरूर सकते हो बट कम नहीं कर सकते। एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पर्टिकुलरली कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर टू द इलेक्शन ऑफ पंचायत, ने पंचायत में किस तरीके से इलेक्शन करवाना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे उसको बेसिकली इंश्योर करना है कि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हो, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा फ्रेम किया जाएगा, एंड उसके बेसिस पे देखने को मिलेगा इलेक्शन कंडक्ट करने का काम इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन का होगा, उसके अंदर जो आपके कमिश्नर है उनका होगा। सो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसे हम कल की वीडियो में फिनिश करेंगे, एंड आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझ में आया। इनकेस अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके देन, बाय।